तो बच्चों आज हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करवाओगे, ठीक है। इस वीडियो में आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर ही है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है, या फिर कलर कैसा है इनका। तो फिजिकल स्टेट और कलर की अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स में, सबसे पहले आप देखो एल्डिहाइड से रिलेटेड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो होती है ये गैस है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या है बच्चों, गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन अगर बात करें हम एसिटल्डिहाइड की, अगर बात करें हम एसिटल्डिहाइड की, तो ये क्या है 294 केल्विन पे क्या होता है बच्चों, एसिटल्डिहाइड बॉयल्स हो जा, क्या हो जा, बॉयल्स हो जा ये, ठीक है। एसिटल्डिहाइड क्या है 294 केल्विन पे क्या हो जाएंगे बच्चों, बॉयल हो जाएंगे। तो इसके बाद के जो C11 तक के मेंबर्स हैं इसमें एल्डिहाइड, वे कर्लागलेस लिक्विड हैं। ठीक है बच्चों, क्या है वे, कलरलेस लिक्विड। फॉर्मल्डिहाइड गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, एसिटल्डिहाइड बॉयल्स हो जा 294 केल्विन पर। इसके अलावा जो C3 से C11 तक के इसमें जो मेंबर्स हैं एल्डिहाइड्स हैं, वे कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड होंगे। और जो हायर मेंबर्स होंगे देन C11, वे क्या होंगे बच्चों, कलरलेस सॉलिड। तो जो C11 के बाद के हायर मेंबर हैं, ठीक है, या हायर एल्डिहाइड भी आप इन्हें कह सको, कलरलेस सॉलिड होंगे। सभी बच्चे नोट कर लें, ये था एल्डिहाइड के बारे में। अगर कीटोन्स की बात करी जा, तो जो कीटोन्स होते हैं वे C11 तक तो क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड। C11 का मतलब है कि जो कार्बन के नंबर्स कितने हों, 11, ठीक है, उस तक तो जो कीटोन्स है वे कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और जो हायर कीटोन्स हैं यानी C11 के बाद के जो कीटोन है वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, कलरलेस। सभी बच्चे नोट कर ले, लोअर मेंबर इसमें क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड, और हायर मेंबर क्या होंगे कीटोन्स के, कलरलेस सॉलिड। ये गैसियस फेज में नहीं पाया जाता कोई भी इसमें। ये तो थी इनकी फिजिकल स्टेट और कलर की बात। सेकेंड है ऑर्डर, स्मेल भी आप इसे कह सको, ऑर्डर या स्मेल, ठीक है बच्चों, गंध कैसी आती है। अगर सबसे पहले बात करें हम लोअर एल्डिहाइड की, लोअर एल्डिहाइड्स, तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट होती है। अनप्लेजेंट स्मेल होगी इसमें, यानी कि दुर्गंध होती है एक प्रकार से। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या होती है, उसमें दुर्गंध। लेकिन जैसे जैसे एल्डिहाइड्स का क्या बढ़ेगा बच्चों, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा,
अगर इनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है एल्डिहाइड का, तो जो अनप्लेजेंट स्मेल है वो प्लेजेंट होने लगती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखियो, अगर मोलर मास इंक्रीज हो रहा है एल्डिहाइड्स का तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेजेंट स्मेल होने लगेगी। अब बात अगर कीटोन्स की करी जा, कीटोन्स में तो सारोमेचे हो, लोअर मेंबर्स हो और हायर मेंबर्स हो, उनमें तो स्मेल कैसी होती है, प्लेजेंट ही होती है। हालांकि हायर मेंबर में और ज्यादा होती है, लोअर और जो हायर मेंबर हैं या फिर डायरेक्ट कीटोन ही लिख लो, इनकी जो स्मेल होगी, लोअर एंड हायर मेंबर्स ऑफ कीटोन्स क्या है, हैव प्लेजेंट स्मेल, या ऑर्डर भी आप कह सको इसमें। ठीक है बच्चों, इसी वजह से परफ्यूम वगैरह बनाने में बहुत यूज होता है कीटोन्स का, क्योंकि इनके जो लोअर और हायर मेंबर्स होते हैं उनमें कोई भी दुर्गंध नहीं पाई जाती, इस वजह से इनमें इनका अधिकतर जो यूज है वो कहीं में किया जा, परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी आप आगे पीछे ले सको, ये नहीं कि आप जो मैं ले रहा हूं से पहले तैयार करो, पोलर नेचर। पोलर नेचर, हमने पोलर नेचर आपको बताया, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, दोनों में ही पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीओ कार्बोनाइल ग्रुप जो है इनमें मौजूद वो क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगी पार्शियली नेगेटिव और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जा। ठीक है, इसी वजह से क्या होंगे बच्चों, पोलर नेचर रखेंगे, और इनके डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो 2.3 से 2.8d के बीच होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है वे पोलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों, किस वजह से, जो इनकी एक प्रकार से आत्मा है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है दोनों में ही और ये पोलरिटी शो करता है, इसे हमने डिटेल से एक्सप्लेन करा, आप वीडियो में देख सकते हो, नेचर और स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करी थी कार्बोनाइल ग्रुप की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी। ठीक है, हम आपको एक बात बता दें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे सारे ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें तो फेयरली सोलेबल होते हैं, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि ये वाटर में भी सोलेबल है या नहीं है। तो मैं बता दूं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, ठीक है, इसमें भी अप टू C4 तक आप कह सको, इसमें भी C4 तक जो मेंबर होंगे, C4 का मतलब ये होता है, जैसे CH3 हो गया, CHO, HCHO, ठीक है, या CH3, CH2, CHO, इस तरीके से, ठीक है, CH3, CH2, CH2, CHO, जैसे मेथेनल है, एथेनल है, प्रोपेनल है, ब्यूटेनल है, इस तरीके के जो C4 तक मेंबर्स हैं वो वाटर में सोलेबल होते हैं, चाहे इसका आप ले लो CH3, CO, CH3, ठीक है, CH3, CH2, CO, CH3,
तो जो C4 तक के मेंबर्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, वो वाटर में सोलेबल होंगे इन वाटर। उसका रीजन क्या है वो हम आपको बता रहे, सभी बच्चे नोट कर ले। वाटर में जो सिर्फ एल्डिहाइड्स के C4 तक और कीटोन्स के भी C4 तक जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, सोलेबल होंगे, चाहे ब्यूटेनॉन हो या फिर प्रोपेनॉन हो, इसमें वो क्या होंगे बच्चों, सोलेबल होंगे कहीं में वाटर के अंदर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अभी आप देखोगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई वाटर में वही चीज सोलेबल होती है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकती हो या हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकती हो, ठीक है। तो आप ये देख लो, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। इस पर पार्शियली अभी हमने बताया पोलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया, वाटर हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो डिजोल्व हो रहा है नहीं हो रहा, सभी बच्चे देख लो। इसी तरीके से आप यहां लिख लो ऑक्सीजन को, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है नहीं, तो यही रीजन है। ये तो एल्डिहाइड के लिए हमने बताया कि ये क्या करें, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन यानी ये रिंग बढ़ती चली जा, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से दूर भागती है, ऐसे ऐसे इनकी सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसी तरीके से कीटोन भी क्या है, लोअर मेंबर कीटोन के वो भी सोलेबल होते हैं, ठीक है। यहां देख लो ये कीटोन हो गए, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो ये वाटर में क्या हो जाएंगे, सोलेबल यानी डिजोल्व हो जाएंगे। तो लोअर मेंबर है अप टू C4 तक वे वाटर में सोलेबल होते हैं, उसका रीजन इनका कार्बोनाइल ग्रुप का पोलरिटी शो करना, रिप्रेजेंट करना भी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे R यानी हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, इसका साइज इंक्रीज होगा जैसे जैसे, तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक नेचर है उसके बढ़ने की वजह से सोलिबिलिटी वाटर में क्या होगी, डिक्रीज होगी। सभी बच्चे नोट करते रहे ना, अभी हमने आपको ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट है जैसे ईथर है, ठीक है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, बेंजीन है C6H6, टोलुइन है C6H5CH3। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। इनमें क्या है, फेयरली डिजोल्व हो जाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखियो। ठीक, सभी बच्चे नोट कर लेना। नंबर 5 है, जो नंबर 5 की हम बात कर रहे, अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, बॉइलिंग पॉइंट रह गया बच्चों, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का। बॉइलिंग पॉइंट्स अगर कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट्स एल्डिहाइड के, अगर कंपेयर करें हम बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का किसके साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हैं
या फिर ईथर है, तो इनके रिलेटिवली इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हाई होंगे। हाइयर होंगे। उसका रीजन हम बताओगे क्या है, ठीक है बच्चों, उसका रीजन क्या है, हमने आपको बताया जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो पोलरिटी शो करता है, क्या करे वो पोलरिटी शो करे, तो आपस में वो बाइंड हो जाएगा एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज से। किस तरीके से, सभी बच्चे यहां देख लें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो हमने कहा था इस पर पॉजिटिव चार्ज हो और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है नहीं, तो इस वजह से जो पोलर ग्रुप होते हैं कार्बोनाइल, ये आपस में क्या हो जा, बाइंड हो जा, ये देखो बच्चों एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एट्रैक्शन भी कह सको आप, तो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन होगा इनके बीच, या फोर्स भी आप कह सको, फोर्स फोर्स अगर एट्रैक्शन होता है तो क्या लगता है उसे, फोर्स, चलो फोर्स ही लिख लो, ठीक है। रीजन क्या है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट करेंगे, तो जो जितने भी कार्बोनाइल्स ग्रुप होंगे वो आपस में क्या होते चले जाए, बाइंड होते चले जाए एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, और यही रीजन है कि इसका फिर क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए, क्योंकि एक तो बॉन्ड इनका आपस का और ये अंदर ही कोवलेंट बॉन्ड है, और दूसरा एक ये हो गया, तो दो दो बॉन्ड जब तोड़ा जाएगा तो उसमें क्या लगेगा बच्चों, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। अगर हम कुछ को कंपेयर करें, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा, निश्चय कटा तो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या है, हमने ये क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा, ये तो हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमने इनके कुछ मेंबर्स ले लिए जो जिनका मोलिकुलर मास क्या है, लगभग सेम है, जैसे इसका कितना होगा 58 मोलिकुलर मास, इसका 60 होता है, इसका 58, लगभग जो मॉलिक्यूलर मास है वो इक्वल होने चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा आप रखोगे तो फिर तो भाई ज्यादा अगर आप रखोगे मॉलिक्यूलर मास तो वो तो फिर ज्यादा होना ही है, तो हमने लगभग 58-60 आसपास ही होता है, और उन्हें लेके कंपेयर करा बॉइलिंग पॉइंट कि देखे भाई इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, तो लगभग इनके जो बॉइलिंग पॉइंट थे बच्चों वो कैसे पाए गए, इक्वल पाए गए, जैसे 273 केल्विन, 281 केल्विन, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोकार्बन और जो ईथर है इसमें बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, पोलरिटी भी ये बहुत कम शो करता है, तो इनके आप बॉइलिंग पॉइंट देख लो कितने कम है, ठीक है।
ये देखो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन, ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता ना पोलरिटी होती, और मॉलिक्यूलर मास लगभग 58 है तीनों का देखो, लेकिन कितना है इसका 322 है, इसका 329 है। तो वो सारा फर्क कहां पर है, वो पड़ता है जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी वजह से। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करा ले जाओ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो 60 मॉलिक्यूलर मास है और कितना ज्यादा इसका 391 केल्विन। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तब बताया जाएगा इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे वजह से डाइमर फॉर्म करें, यानी दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया और उन्हें तोड़ना क्या हो जाए काफी डिफिकल्टी। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं एल्कोहल भी, हम आपको पहले बता चुके ठीक है। तो ये रीजन है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होता है इनके बीच उसके मुकाबले ज्यादा क्या होता है मजबूत होता है ठीक है। तो ये थे इनके बच्चों क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सभी बच्चे नोट कर लें।